हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एज रिलेशन का वो सॉरी रिलेशन का दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है वीडियो का। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता का पुत्र का पुत्र है। उस स्त्री से उस पुरुष का क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है चचेरा फुफेरा, भाई भाई बेटा भतीजा, इनमें से क्या होगा ऑप्शन? भाई आ रहा। चलिए हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, कहता कौन है? स्त्री कहती है ना, और देखिए यह मतलब कि किसको कह रहा है? पुरुष को। यहाँ पर पुरुष लिख ले रहे हैं। अब क्या कह रहा है? यह मेरी माँ का, मतलब महिला बना ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर महिला लिख ले रहे हैं, ये महिला है। महिला से क्या कहती है? महिला मेरी माँ के भाई, इसकी माँ, महिला की माँ ऊपर होगी ना, महिला की ये माँ हो गई है, मतलब कि माइनस महिला की माँ के भाई, मेरी माँ के भाई। भाई कौन होगा? इधर ले लेते हैं, भाई हो जाएगा। डबल एरो होता तो पति पत्नी का होता है, इस बात को ध्यान देना। भाई के पिता यही है ना, भाई के पिता, भाई के पिता, ये पिता बन जाएंगे। पिता का पुत्र, पिता के पुत्र का पुत्र, यही होगा। फिर ये क्या है? आदमी है। अब क्या कह रहा है? उस स्त्री से उस पुरुष का क्या संबंध है? पुरुष का क्या संबंध है एक बार बताइएगा। अगर इसकी माँ का भाई का बेटा है तो इसके ये कौन लगेंगे? पहले मामा लगेंगे। अब मामा के बेटे से क्या लगेगा? महिला का चचेरा या फुफेरा भाई। तो इसमें देखिए, भाई तो ऑप्शन ही चचेरा या फुफेरा भाई ऑप्शन जाएगा, भाई नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान देना। अब इसकी माँ के भाई मतलब इसका मामा, मामा का बेटा ममेरा भाई होना चाहिए ना, ममेरा भाई है नहीं, तो इस महिला से इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आप यहाँ पर एक ऑप्शन और कर सकते हैं ममेरा भाई का, क्योंकि चचेरा फुफेरा आप यहाँ पर एक ऑप्शन और कर लीजिए, ममेरा भाई, तो यहाँ पर ममेरा भाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। लड़की का राकेश से क्या संबंध? लड़की का राकेश से आपको संबंध बताना है, क्या संबंध है, मतलब संबंध क्या है? ऑप्शन है बहन पुत्री पोती चचेरी बहन, बहन ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी क्या है? पोती और चचेरी बहन, पोती ऑप्शन डी है, चचेरी बहन। बताइए ऑप्शन नंबर ए सबका आ गया। क्वेश्चन देखिए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, पहले आपको राकेश बनाना है, ये राकेश है, ये राकेश है ना। अब क्या है? राकेश ने कहा यह मेरे दादा, और नीचे बनाना पड़ेगा। यहां पर राकेश हो गया, राकेश के दादा मतलब पिता के पिता होंगे,
पिता के पिता राकेश दादा बनेंगे। दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का अकेले अगर एकमात्र पुत्र कहेगा तो स्वयं होगा, तो उसके अकेले पुत्र यही है। फिर दादा के एकमात्र पुत्र की इसकी क्या है, पुत्री है। इसकी क्या है, पुत्री। पुत्री तो नीचे आएगा, मतलब माइनस है। तो राकेश का क्या संबंध है, अगर राकेश का पिता ये है तो ये राकेश कौन सी लगेगी, वाहन, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत, कैसे देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता की एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। इस लाइन को जरा ध्यान से समझना, वह एक यानी वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की पुत्री है। संकेत की गई महिला से अनूप का क्या संबंध है, ऑप्शन है पुत्री, पत्नी, वाहन और माता। हल करिए, सबका क्या क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। अर्थात किसकी चर्चा कर रहा है, महिला की ना, कौन, अनूप। यहां पर लिखिए आप लोग अनूप, ये अनूप हो गया। अब अनूप की माता, अनूप की माता हो जाएगी मात, वह अनूप की माता मतलब मेरी माता के एकमात्र पौत्र, मतलब इसकी माता का नाती यहां पर होगा। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, वो पौत्र। फिर क्या कह रहा है, पौत्र की माता की पुत्री है, इसकी कौन है, पुत्री है, यही तो है ना। संकेत की गई महिला से अनूप का क्या संबंध है, अगर यहां पर अनूप की माता ये होगी, अनूप की माता के यहां पर ये इसको कौन लगा रही है, पुत्र है, तो ये कौन है, ये इसको कौन लगेगा, बेटी, वही पुत्री। समझ में आया, क्वेश्चन फिर से समझिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता, अनूप की माता की एकमात्र पौत्र, मतलब अनूप की माता का पौत्र का मतलब नाती होता है, अनूप की माता का नाती मतलब इसके बेटे का बेटा होगा। अब ये हो गया इसके बेटे का बेटा, फिर पौत्र की माता। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में कंफ्यूजन था क्या, एकमात्र पौत्र की माता, इस नाती है, इसकी माँ कौन बनेगी, इसकी माता, देखो इस अगर बात करेंगे इसकी माता यहां पर मान ले रहे हैं, ये माइनस है, अगर ये इसके पिता बनेंगे तभी तो इसकी माता बनेंगे, ऐसे सॉरी ये फिगर ऐसे होगा, ये होगा ना, क्योंकि ये इसका भी है, अब यहां पर उसकी पुत्री है, ये माता है ना, सॉरी, अब ये दोनों क्या बन गए, पति पत्नी बन गए। अब कह रहा है कि उस आदमी से, आदमी कौन था, अनूप, अनूप से उस तस्वीर क्या, संकेतिक महिला का क्या संबंध है, इसकी पत्नी की बेटी इसका क्या लगेगी, पुत्री तो लगेगी या लगेगी ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सागर ने महिला का परिचय कराते हुए कहा, सागर ने महिला का परिचय कराते हुए कहा, सागर ने महिला का परिचय कराते हुए कहा, कहा कि वह मेरी दादी की मां के, कहा कि वह मेरी दादी की मां के, मेरी दादी की मां के इकलौते पुत्र के
इकलौते पुत्र के, इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है, इकलौते साले का भांजा है, साले का भांजा है। सागर का मोहन से, एक मिनट यहां पर देखो, सागर ने महिला, यहां पर क्या लिखोगे, महिला नहीं बल्कि मोहन कर लोगे, यहां पर मोहन कर लोगे, साले का भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है बताओ, किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन चाहिए। ममेरा भाई, भाई मामा पुत्र, ऑप्शन ए है, ममेरा भाई, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी पुत्र। हल करके बताओ। देखिए कुछ लोग जो हैं यहां पर ही बोलते होंगे कि सर लिख के, बल्कि लिखकर तब इस रिकॉर्ड किया कर, मैं कहता हूं कि जैसे मैं लिख रहा होता हूं वैसे आप अपने फिगर को तुरंत मेंटेन करते रहिएगा, क्योंकि जब भी मैं लिख रहा होता हूं ये तो आप लिखेंगे तो फिगर को मेंटेन करेंगे फिर उसके बाद, इसीलिए मैं लास्ट में समय आपको नहीं देता हूं। तो हल करिए जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ेंगे। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी दादी के माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है, तो सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है। आपके पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है पुत्र है, ऑप्शन ए में वो ममेरा भाई, ऑप्शन बी भाई, यहाँ पर ममेरा भाई भी आ जाएगा आपका। हल करिए, देखते हैं ऑप्शन नंबर एक, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी, किसके लिए बात कर रहा है, मेरी सागर के लिए ना, सागर कराना मेरी, तो हम पहले यहां पर सागर बना लेते हैं, ये है सागर। अब क्या होगा, सागर के दादी मतलब इसके पिता की मां, बात समझ आ रही है, इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र ही होगा, इकलौते पुत्र के इकलौते साले मतलब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी क्या है, यहां पर देखिए इकलौते, देखिए इकलौते पुत्र के साले, इकलौते पुत्र के साले का मतलब क्या होगा। हाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इकलौते पुत्र के साले, अगर इसके पुत्र का साला मतलब इसकी औरत जो होगी, इसकी औरत का भाई होगा, अब इकलौते साले का भांजा, अगर इस साले का भांजा मतलब इसकी बहन का, बहन का पुत्र, अगर इसकी बहन का पुत्र तभी तो बनेगा इसकी बहन का पुत्र, इसका भांजा कौन होगा, इसकी बहन का पुत्र, ये इसका कौन बन रहा है भांजा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सागर का मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अभी बात बताना, अगर ये आदमी है, ये दोनों पति पत्नी है, अगर इस पति का पुत्र इस महिला का क्या लाएगा, पुत्र ही होगा, अगर इस महिला का पुत्र इसके पति का कौन होगा, पुत्री होगा, ये पुत्र कौन है, मोहन। अब जरा बताएंगे मोहन का सागर से क्या संबंध है, भाई, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, पक्का आएंगे क्वेश्चन, अभी से लिख के रख लो, ये पक्का ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, पुनीत एक स्त्री से कहता है कि पुनीत एक स्त्री से कहता है कि
पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिता के पत्नी की बहन पत्नी की बहन मेरी बुआ है। वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है, पुत्री, पोती, भतीजी, पुत्री, पोती, भतीजी, पुत्री, पोती, भतीजी, चचेरी या ममेरी बहन, चचेरी या ममेरी बहन। आई आंसर तो क्वेश्चन देखिए, पुनीत एक स्त्री से कहता है तुम्हारे पिता, अब हम मिडिल पॉइंट लेंगे किसको, स्त्री को, यहां पर स्त्री ले रहे हैं, माइनस स्त्री ले लिए। अब क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता, स्त्री के पिता के पत्नी, पत्नी ऐसे लगाएंगे चिन्ह, पत्नी की बहन, ये इसकी बहन बन जाएंगी, मेरी बुआ है, कौन, किसका, पुनीत की बुआ। अब एक बात बताओ, पुनीत की बुआ कब बनेगी, पुनीत के पापा की बहन होगी, ये क्या है, पुनीत की बहन है, सॉरी पुनीत की बुआ है। अब अगर हम पुनीत की बात करते हैं, पुनीत के, हाँ तो लिख रहा था यहां पर पुनीत है, पुनीत के पिता बनेंगे, पिता की ये कौन है, बहन है। अब इनका इनसे कैसे संबंधित है, अगर ये भी दोनों बहने हैं, अगर पुनीत के बुआ ये है, ये भी बुआ बनेगी ना। अब यही तो पूछ रहा है ना, वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है, भतीजी होगी नहीं, चचेरी या ममेरी बहन, कहीं फुफेरी बहन तो नहीं आ रहा है, ये इसकी बुआ लगेंगे ना यहाँ पर, इधर पुत्री, ममेरी, चचेरी या ममेरी बहन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन गलत तो नहीं लिखा, तो देखिएगा ये ऑप्शन के अनुसार होगा, पुत्री तो होगी नहीं, पोती तो होगी नहीं, भतीजी तो होगी नहीं, इसका इससे क्या संबंध होगा, बहन से, चचेरी या फुफेरी बहन, ममेरी बहन, इसमें ऑप्शन फुफेरी बहन भी देना चाहिए था, है ना, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और मैं हर सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो लाता हूँ, और ये आता है एसएससी सीजीएल, एसएससी ग्रेजुएशन मतलब सीजीएल एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 एसएससी सीजीएल का है, ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ तक समझ आ गया क्या, कोई संशय है, अगर फुफेरी नहीं है फुफेरी वाहन तो ऑप्शन नंबर चचेरी है मेरी वाहन पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके वाहन का संबंध है, तो ना ही पुत्री, ना ही पोती, ना ही भतीजी होगी, सीधा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। तो बस करता हूँ आज के लिए, आज की क्लास को यहीं से मैं समाप्त करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।